रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है चीज़ी वेज सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बनाना तो एकदम आसान है। तो इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे हम बॉयल किए हुए आलू, और ये दो आलू हैं मीडियम साइज़ के जिन्हें मैंने बॉयल करके छिलका उतार कर और पीस लिया है। ये हम डाल देंगे इस बॉल के अंदर। और ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी बनता है क्योंकि इसके अंदर हम ढेर सारी वेजिटेबल्स डालते हैं, ढेर सारा चीज़ डालते हैं। इसमें डालते हैं ये कटी हुई थोड़ी सी टमाटर, ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। इतनी ही हम कटी हुई प्याज ले लेंगे, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी बंद गोभी जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। और ये मेरे पास हैं फ्रोज़न बीन्स जिसे मैंने मार्केट से इसी तरह से लिया है, और ये पके हुए होते हैं। ये बस हम खोलेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच, 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सॉफ्ट मिर्च पाउडर, चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। इसे हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे इधर साइड पर रखते हैं, और यहाँ पर रखते हैं हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इसके ऊपर लगाएंगे 1 चम्मच ग्रीन चटनी। चटनी को मैंने इस तरह से बनाया है कि इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 दाने हरी मिर्चों के, और नमक डालकर इसको चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। दूसरी साइड पे हम लगाएंगे टमाटो केचप। ये हमने अच्छे से लगा दिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे ये तैयार किया हुआ वेजिटेबल का मिक्सचर। स्लाइस से इसे कवर कर देंगे, ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे। और इस साइड में हम लगाएंगे बटर, ये सॉल्टेड बटर है। इसे तलने के प्रोसेस की तरफ चूल्हे को ऑन करते हैं, उसके ऊपर तवा रखते हैं, उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं। तवे को हमने नॉर्मल गर्म कर लिया है। अब ये जो बटर वाली साइड है ये हम इस तरह से तवे पर रखेंगे। सैंडविच के इस तरफ भी हम बटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सैंडविच आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत मज़े का लगता है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और चलते हैं इसे कट करने के प्रोसेस की तरफ। चीज़ी वेज सैंडविच को हमने सेंटर से काट लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलरफुल हमारा ये सैंडविच बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आती है। चीज़ी वेज सैंडविच की हमने प्लेटिंग कर ली है। ये देखने में जितना कलरफुल है खाने में उतना ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बेसिकली ये रेसिपी बच्चों के लिए है, बच्चे इसे लंच बॉक्स में ले जाएं, नाश्ते में खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और हेल्दी भी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स शौक से नहीं खाते हैं, तो इस सैंडविच के ज़रिए आप बच्चों को ढेर सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल का बटन प्रेस करना है ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसे बआसानी देख सकें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।